सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट वाला। सो आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग अप्सरा आर्ट किट की, जो मेरी फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है। सो इसके बैक साइड को देखते हैं। सो बैक साइड में यहाँ पर आपको इसमें वैरायटीज़ दिख रही हैं। इसमें वैरायटीज़ हैं वैक्स क्रेयॉन, ड्राइंग पेंसिल, ऑयल पिस्टल, पोस्टर कलर एंड वाटर कलर ट्यूब्स, जो आपको पाँच वैरायटी काफ़ी अच्छे दाम में मिल जाती है, 150 रुपीज़ में। काफ़ी अच्छा है ये। सो यहाँ पर उन्होंने सेम ही चीज़ लिखी हुई है। आप इसकी ब्रांडिंग देखिए ना, कितनी बढ़िया, मतलब सामने से देख के मन करता है चलो इसे खरीद लो, अब मत छोड़ो इसको, मतलब काफ़ी अच्छा है इसकी ब्रांडिंग है। सो अंदर चल के देखते हैं इसमें और क्या क्या सामान है इसमें। सो अंदर जैसे आप देखेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले है अप्सरा की ड्राइंग पेंसिल। सो अप्सरा की वैसी पेंसिल्स काफ़ी बढ़िया होती हैं। सो देखते हैं इसकी स्केचिंग पेंसिल्स भी कैसी हैं। सो हम चलिए इसे खोलते हैं। सो इससे खोलने से पहले हम एक बार इसकी पीछे साइड देख लेते हैं। सो पीछे साइड जस्ट यही लिखा है कि बहुत ही स्मूथली पेंसिल्स हैं, रफ शेड नहीं आएगा, और इसमें जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज़ है। इसमें टोटल 3 पेंसिल्स हैं। सो इसमें जो कलर है ना वो बढ़िया लग रहा है ना, ब्लैक कलर का कलर, उस पर कर्व कर्व सी लाइन, मतलब बढ़िया मज़ा आ गया इस पेंसिल का कलर ही देख के। सो देखते हैं, ये पेंसिल है 2B एंड देन 6B एंड देन 4B। सो मीन्स हमारे पास 3 पेंसिल हैं, 2B, 4B एंड 6B। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा वैक्स क्रेयॉन। सो अप्सरा का वैक्स क्रेयॉन, सो नॉर्मली तो वैक्स क्रेयॉन चाइल्ड यूज़ के लिए होते हैं, बट आप इससे प्रोफेशनल जैसे ड्राइंग भी कर सकते हैं। सो वैक्स क्रेयॉन को हम अनबॉक्स करते हैं। पिछले जस्ट डे लिखा है बहुत अच्छा है, एंड इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ है यार, 12 शेड है इसमें और 10 रुपीज़ का है ये। सो इसमें शेड्स काफ़ी बढ़िया बढ़िया, मतलब नॉर्मली हरी शेड ने दिया है इसमें, सो जो काफ़ी अच्छा है। देन इसमें नेक्स्ट है 6 वाटर कलर्स हैं इसमें। सो अप्सरा के जो वाटर कलर हैं वो नॉन टॉक्सिक ट्यूब कलर है, जो काफ़ी बढ़िया बात है, हमारी स्किन को हार्म बिल्कुल नहीं होगा इससे। देन ये जो वाटर कलर है ये काफ़ी अच्छे हैं, इसकी स्मूथनेस काफ़ी अच्छी आएगी, रफ स्केच नहीं होगा, एंड इससे आप डार्क एंड लाइट दोनों टाइप के शेड से आप ड्राइंग कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं इसमें टोटल 6 शेड हैं, वाइट, येलो एंड रेड एंड ग्रीन, ब्लैक एंड पर्शियन ब्लू। सो 6 शेड हैं जो काफ़ी अच्छा है। हाँ बट मुझे एक चीज़ ठीक नहीं लगा, जो ट्यूब का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, बट आई थिंक सो इसका प्राइस के हिसाब से ठीक है। देन नेक्स्ट है ये ऑयल पिस्टल। देन ऑयल पिस्टल भी नॉन टॉक्सिक है, जो काफ़ी अच्छा है, एंड इन सबका शेप सर्कुलर है, जो हमें ब्लेंडिंग करने बहुत ईजी रहेगा। देन आप इसमें देख सकते हैं आप इसे ब्लेंडिंग, शेडिंग, इचिंग एंड एम्बोसिंग सब कर सकते हैं। सो चलिए, ये रिच एंड स्मूथ दोनों ही हैं, सो काफ़ी अच्छा है ये। इसका प्राइस है 35 रुपीज़, इसका मतलब एक पैक का प्राइस है 35 रुपीज़। सो चलिए इसको खोलते हैं, इसके अंदर और क्या है। सो इसके अंदर शेड तो मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, वाइट, येलो, ब्राउन, वॉयलेट, पोशन ब्लू, ग्रीन ब्लू, मीन्स हमारे पास सभी शेड हैं। और सबसे अच्छी बात है ने ब्लू के दोनों शेड दिए हुए हैं, जो काफ़ी अच्छी है। तो जो इसमें ब्लू के दोनों शेड दिए ना, इसमें आपको ब्लेंडिंग करने में ईजी होगा, क्योंकि नॉर्मली हमें ब्लू को शेड को बहुत ज़्यादा डार्क करने में बहुत दिक्कत आती थी। इसमें दोनों शेड हैं, काफ़ी अच्छी बात है, इसमें 12 शेड थे टोटल। सो नेक्स्ट में यहाँ पे 3 पोस्टर कलर्स भी दिए हुए हैं। सो जो पोस्टर कलर्स हैं वो हैं प्राइमरी कलर दे दिए उन्हें, रेड, येलो एंड ब्लू। सो आप देख सकते हैं किसी एक से देखते हैं तो सिर्फ इसमें जस्ट यही लिखा है कि 10 ml का, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं, सभी में सिर्फ इतना ही लिखा है 10 ml का, देन उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सो ये है लेमन येलो, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, आप देख सकते हैं। सो इनको वापस रख देते हैं। अब नेक्स्ट इसमें और कुछ भी नहीं है। सो अब इसको हम टेक्स्ट करते हैं कि कैसा है। सो सबसे पहले हम करते हैं वैक्स क्रेयॉन। सो वैक्स क्रेयॉन को जस्ट मैं एक ही शेड में कर देंगे। हाँ ये बात तो माननी पड़ेगी, इनका इतना ज़्यादा रफ नहीं आया, बट रफ तो होते हैं वैक्स क्रेयॉन, सो जस्ट लीव दिस। देन नेक्स्ट हम ट्राई करेंगे अब हमारे ऑयल पिस्टल। सो हमने सबसे पहले लिया है डीप ब्लू, तो हम उसे स्टार्ट करेंगे। ऊपर हमें डीप ब्लू करें, मैं दोनों का ब्लेंडिंग करूँगी ताकि आपको आराम से समझ नहीं आ जाए कि हाँ यार भैया ब्लेंडिंग करने में इतना इजी है। सो देन मैंने नीचे लिया है स्काई ब्लू, सो
सो हमने इसको ब्लेंडिंग, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्लेंडिंग होना स्टार्ट हो गया। आप देखिए वहाँ पे मेटल जो पार्ट है आप देखते हैं इसको जो पार्ट होगा ना वो ब्लेंडिंग काफ़ी ईजिली हो रहा है, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा है, जस्ट आप स्मूदली प्रेशर कर रहे हैं देन वो हो रहा है आराम से। तो इसमें कोई बड़ा है, अच्छा है ये, एंड आप देख सकते हैं बिल्कुल रफ नहीं आया, कितना बढ़िया लग रहा है ना ये। एज मुझे तो इसकी ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी लगी है। सो अब हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे हमारे वाटर ट्यूब कलर को। सो मैंने यहाँ पे लिया है पोशन ब्लू, एक्चुअली मैंने सभी ब्लू ही शेड लिए ताकि कंपेयर करने में कोई दिक्कत ना आए। सो मैंने थोड़ा सा ट्यूब कलर लिया एंड उसको भी इसमें लगाया। एक्चुअली मैं यहाँ पे लाइट शेड इसलिए ले रही हूँ क्योंकि पहले मैं इसमें लाइट शेड लेंगी देन मैं जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ इसको डार्क करते हैं, जैसे कि मैं देख के आप कर रहे हैं। सो ना आप इसको देख के ना आपको एक आइडिया आ रहा होगा, सब जो स्काई वगैरह का ड्राइंग वगैरह होता है ना काफ़ी ईजिली बन जाएगा इससे। सो मैंने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया, आप देख सकते हैं मैंने डार्क करने के लिए कुछ ऐसा शेड आया है। सो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट अब हम करेंगे, सो आपको नेक्स्ट करने से पहले इन सबका वर्सेस करना है। सो आप बताइएगा इन तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सा है। सो नेक्स्ट हम करते हैं कोबाल्ट ब्लू, वो भी हमने पोस्टर कलर ही ले लिए हैं। सो पोस्टर कलर इन्हें थोड़ा सा लाइट शेड लिया है। सो लाइट शेड करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये चारों के चारों रिज़ल्ट आपके सामने है। सो आप देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ है कि इसका जो शेड है ना वो हल्का सा रफ सा है पोस्टर कलर का, बट उसका नहीं था। सो अब हम थोड़ी सी करेंगे शेडिंग। सो शेडिंग के लिए क्योंकि हमें पेंसिल का भी वर्सेस करना ही है, सो इसमें पेंसिल का वर्सेस करते हैं। सो पेंसिल्स का मैंने यहाँ पे एक ही जस्ट पेंसिल ली थी 4B, देन उसी को मैंने पूरे में किया। सो आप इसके देख सकते हैं, देन मैंने उसके बीच में कुछ लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कैसा है। तो मैंने इसके बीच में लिख दिया लाइक, सो आप देख सकते हैं। सो एज आपके सामने रिजल्ट है,